इस क्वेश्चन में बोला आपको कि कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास हैज फोकल लेंथ इतनी देर की इन एयर एंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 3/2 देन द वॉटर द फोकल लेंथ वैन इमेज इन वॉटर. एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/5 दे रखा है, बाहर क्या एयर में रखा हुआ था ये, तो इसका जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 0.15. अब इसी को यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 होगा, बाहर कितना कर दिया वाटर कर दिया, वाटर में रख दिया. अब इसकी एफ बताओ क्या होगी. ठीक है अब बताओ एफ क्या होगी. तो इस केस में पहले इसके लिए लगा दो फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, वन एन वन बाई एफ होता है तो 1/f आ जाएगा. एफ की वैल्यू 0.15 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन टू माइनस एन वन, यानी कि 1.5 माइनस वन इंटू में 1/r1 माइनस 1/ ये तो r1, इसके लिए तो पॉजिटिव, इसके लिए क्या हो जाएगी नेगेटिव माइनस का r2. या कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब इसके लिए लगाओ ये आ जाएगी 1, यानी कि 4/3f इक्वल टू 1.5 माइनस 4/3 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2. दोनों का क्या ले लो रेशियो कैंसिल, ये आ जाएगा 100/15 इंटू में 3f/4. रेडियस दोनों में सेम ही रहेगा, आर तो वही रहेगा, वही लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही रहेगा, आर थोड़ी ना चेंज हो गया, आर कैसे चेंज हो जाएगा, आर तो वही है, वही का वही लेंस रखा है, लेंस थोड़ी ना अलग करा है. पहले लेंस वो एयर में रखा हुआ था, अब वाटर में रख दिया, तो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है लेंस की, मिरर की चेंज नहीं होती है फोकल लेंथ, चाहे वो किसी मीडियम कुछ भी हो, चाहे लेंस अगर मिरर बोल दिया कि पहले एयर में रखा हुआ था फिर वाटर में रख दिया फिर किसी भी लिक्विड में रख दिया, तो उसका वही लेंस चेंज होगी तो आर चेंज नहीं होगा, नहीं आर चेंज नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ चेंज होगी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास मैम आर इक्वल टू 2f होता है, f चेंज हुआ तो आर तो चेंज नहीं, फोकल लेंथ है, f चेंज आर एफ चेंज हो जाएगा बट आर तो वही कर रही, इसमें यहाँ से 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू आप इसमें पुट कर रहे हो, आर चेंज हो, लेंस अगर चेंज होगा तो उस केस में आर चेंज होगा, मीडियम के चेंज होने से ये डिपेंड कर जाएगा वो कितना कन्वर्ज करेगा कितना डाइवर्ज करता है लेंस, आर तो वही का वही रहेगा, कन्वर्जिंग कहाँ पे मीट करेगी फॉर वो उस बात है सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है. एफ के चेंज होने से कभी मतलब इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस अलग अलग कर देता तो फिर उस केस में आप कह देते कि आर अलग अलग होगा. ठीक है अब इसमें देखो 100/15 इंटू में कितना आ जाएगा ये 3f/4, ये था आपके पास 0.5, इसको माइनस करोगे 3/2 में से माइनस कर दो 4/3, 6 एलसीएम ले लो 9 - 8 यानी कि 1/6, तो 100/15 इंटू में 3f/4 इक्वल टू आ जाएगा 5/10 इंटू में 6/1. तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? मैम ये 25 नहीं आएगा, सॉरी ये 25 आ जाएगा, तो अब इसको 3 और 5 3 से 3 कैंसिल, 15 आंसर आ जाएगा आपके पास. F की वैल्यू जो आएगी वो 15 सेंटीमीटर में आएगी, सॉरी मीटर में आएगी, सॉरी सेंटीमीटर में आ जाएगी, मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.15 मीटर आ जाएगा आंसर. ये 5 ऊपर था ना और उधर 3 भी ऊपर था, सॉरी F की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 3/5 0.6 मीटर में आ जाएगी, इसमें आएगी फिर ये भी मीटर में दे रखा था तो मीटर में ही आ जाएगी, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका. आगे समझो